हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो करते हैं आज के व्लॉग का शुभारंभ। एंड अभी व्लॉग अपलोड कर दिया है अपन ने, अपलोड हो गया है व्लॉग अपने। और बाहर का मौसम हो रहा है एकदम खराब, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी सी हो रही है और हवा चल रही है इतनी तेज, हद से ज्यादा। बस इसलिए मैं तो अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकल रहा। बाहर बूंदाबांदी हो रही है, अपनी होती रही, अपन अपना काम कर रहे हैं। और आज का व्लॉग अपलोड किया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एक दिक्कत आ रही है इसके अंदर। तो ये मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया तो इतने में कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। अभी देखो इस क्या है इसके अंदर ऐसा कॉपीराइट क्लेम का, देखना। ये जो साउंड है ये तो मैंने पूरे पे यूज किया, इसमें क्या कॉपीराइट क्लेम आया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या नहीं समझ से बाहर हो रहा है मेरे को। और बाकी में कहीं पे कॉपीराइट क्लेम नहीं, अगर ये सॉन्ग का कॉपीराइट क्लेम आता तो ये सॉन्ग तो पूरे वीडियो पे यूज किया हुआ है तो उस पर भी आ जाता, पूरे वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आता। इतने में ही कॉपीराइट क्लेम क्यों आया मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखना इसमें क्या है ऐसा कॉपीराइट क्लेम का, ये या फिर ये मैंने घास फूस दिखा दी इसका कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। पर ये तो मैंने खुद ने अपने हाथों से बनाई है तो पता नहीं क्या है, क्या सिस्टम है यूट्यूब का, क्या नहीं क्या नहीं। बस वो लोग अपलोड कर दिया मैंने, देख लेना आप लोग कैसा है कैसा नहीं है, किस चीज़ का कॉपीराइट क्लेम दिया है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बस तो मैं तो अभी ये कॉपीराइट क्लेम वाला ही अपलोड कर रहा हूँ, देखते हैं जो होगा आगे। तो भाई बिस्तर से थोड़ा निकले हैं, अभी दिख रहा है ये दशा कैसी रही है। एक वो उस साइड है तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि हवा कितनी तेज चल रही है। साथ में इतनी तेज हवा चल रही है और साथ में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो इसी कारण से तो मैं तो बाहर नहीं निकल रहा था, अंदर घुस पड़ा। लेकिन अभी मेरा नमकीन खाने का मन कर रहा है तो अभी एक बार हम शॉप पे जाके आएंगे, नमकीन लेके आते हैं थोड़े। मम्मी आई है, मम्मी चाय वाय बनाएगी तो साथ में नमकीन खाएंगे, अच्छा नाश्ता हो जाएगा अपना। और अभी फिलहाल खा रहा हूँ मैं ये चने, मम्मी लेके आई थोड़े से तो ये खाएंगे, खाते खाते शॉप पे चलते हैं। पेड़ कैसे हिल रहे हवा के कारण, इतनी तेज हवा चल रही है इधर, इतनी ठंड हो रही है। वैसे ही ठंड है और ऊपर से भगवान ने हवा और चला दी है। तो ये नमकीन ले लिए गाइस, एंड बारिश देखो, तो बारिश शुरू हो गई है और जल्दी से भाग के घर चलता हूँ मैं, तेज हो गई है बारिश भीग, बारिश में भीग रहा हूँ पूरा पूरा। चलते हैं जल्दी जल्दी, दिख रहा होगा पानी कैसे गिर रहा है। तो गाइस आ गया मैं तो वापस अपने अड्डे पे, एंड घुस गया वापस बिस्तर में, कोट भीग गया पूरा, निकाल दिया मैं तो इस साइड सुखा रखा है इसको, और बैठा हूँ बिस्तर में वापस। बाहर दिख रहा होगा आप लोगों को बारिश हो रही है, कभी तेज हो रही है और कभी धीमी हो रही है। तो देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं होता, मौसम के हिसाब से व्लॉग बनेगा, क्यों बाहर जाते हैं नहीं जाते। अगर ऐसे बारिश हुई तो बाहर कहाँ जाएंगे, अपने घर में बिस्तर में घुसा रहूंगा मैं तो पूरे दिन, मेरे से ठंड में कहीं नहीं जाया जाएगा भाई, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। वैसे भी ठंड है, ऊपर से बारिश हो गई उसकी ठंड, और साथ में भगवान ने हवा चला रखी है इतनी तेज उसकी ठंड, अब ठंड पे ठंड, ठंड पे ठंड, ठंड पे ठंड हो गई। तो इससे अच्छा अपन बिस्तर में घुस के बैठ जाए अपना, मेरा बस ये सुख है काम का कि मेरा जो शॉप है वो घर के अंदर ही है अपने, तो काम आएगा तो इधर का इधर काम कर लेंगे और इधर की इधर अपने बिस्तर में घुस जाएंगे। तो भाई चाय आ गई है अपनी, और गिलास देखो कितना बड़ा लिया चाय का, तो अभी चाय पियेंगे। एंड ये अपने नमकीन है, 10 वाला मिला नहीं बड़े वाला, तो छोटे वाला मिला है 5-5 का, तो ये 2 लेके आ गया, 2 नहीं 4 लेके आए, लेके आ गया। और अभी नमकीन खाते हैं, चाय पीते हैं और बिस्तर में घुसते हैं। 1 hour later तो निकलते हैं थोड़ा बिस्तर से बाहर, एंड खाते हैं खाना वाना, जो
कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी खाना खाते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल तो मौसम एकदम वैसा का वैसा ही पड़ा है, बाहर दिख रहा होगा और बूंद भी गिर रही है थोड़ी थोड़ी। गाइस आज खाना है सूखी रोटी खाऊंगा एंड साग ऐसा होगा। रोटी सूखी इसलिए खाऊंगा क्योंकि मेरे को आ रही है थोड़ी थोड़ी खांसी एंड जुकाम हो रहा है। और जल्दी से खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद वापस बिस्तर में घुसेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ठंड हो रही है ज़्यादा इसलिए। तो गाइस सुबह से बैठे थे ऐसे बिस्तर में एंड अभी तक मौसम देख लो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो देख लो पूरे के पूरे बादल बने पड़े हैं बारिश वाले, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है एंड ये मौसम बना हुआ है बारिश का। तो पूरा दिन कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते, अभी थोड़ा सा बूंदाबांदी नहीं हो रही है तो अभी देखते हैं कहाँ निकलते हैं अपन। थोड़ा सा दादी माँ के पास जाके आते हैं और उधर थोड़ा बहुत काम है तो वो करेंगे अपन। तो चलो काम तो क्या है, ऐसे ही जाके आते हैं, थोड़ा घुमाई करके आते हैं। सुबह से बिस्तर में पड़े हैं यार, थक गए बैठे बैठे। सर्दी में वैसे निकलने का मन तो नहीं करता लेकिन थोड़ा बॉडी को इधर उधर घुमाना भी जरूरी है, समझे? तो गाइस आ गए दादी माँ के पास और ठंड में ये गेटअप मिलेगा अपना तो। और ये काम तो अभी तक तो नहीं पड़ा है, ये लेंटर डाला है उसके बाद बारिश का ही मौसम रहा है और इसके अंदर मिट्टी का भराव होगा, उसके बाद काम दोबारा स्टार्ट करेंगे। तब तक ऐसे ही रहे। तो इधर एक और नया काम स्टार्ट कर रखा है, एक रूम और बना रहे इधर ऐसे कच्चा। क्या बात है, क्या बात है, टक्कर मारनी है, टक्कर मारनी है? क्यों फालतू में टक्कर मारेगी, फालतू में टक्कर मारेगी क्यों है? ज्यादा टक्कर मारनी, पच्छी मारू ना खिंचका के टक्कर मारेगी के? बता ले, ले मार ले, ले मार ले, मार टक्कर है, टक्कर मारा है मेरे टिंड की, टिंड की, टिंड की है ना तू, गंदे समूह की, गंदे समूह की टिंड की। तो दादाजी भी अपने बिस्तर में घुस गए हैं गाइस एंड सही है, बाहर इतनी ठंड में करेंगे क्या, सही है अपने बिस्तर को गर्म करके आराम से लेट रहे। राम 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 डापो आ गए, डापो आ गए, परवीन ने बिस्कुट की कू तो ले आगे देवे, कोनी पोलू ने कू ब्रेड ले आगे देवे तो बोले आगे देवे, कोनी बुढ़ापो आ गयो सा फिक्की बावे, कोनी राम 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 हरे राम 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 ए राम 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 सीरेगी को तो रंदे कोनी दलियो ये गल है कोनी, हरे राम दलियो रंदे कोनी सीरो गल है कोनी, हरे राम हरे राम राम राम। तो आ गया व्लॉग का लास्ट सीन एंड आज क्या किया वो तो आप लोगों को पता ही है। सुबह से बादल बने पड़े हैं बारिश के, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी सी हो रही है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, तो बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं हो रहा, तो इसलिए बाहर तो मैं कहीं गया नहीं। हाँ शाम को थोड़ा सा बूंदाबांदी तो बंद हो गई थी, उधर खेल भी रहे थे, मैं नहीं गया ठंड में, इतनी ठंड थी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, आंधी चल रही थी, तो फिर मैंने सोचा उधर क्या लाएंगे ऐसे ही, फिर मैं चला गया दादी माँ के पास और उधर जाके थोड़ा बहुत मस्ती की, उसके बाद वापस आ गया और इधर आने के बाद अभी वो लोग का एंड कर रहे हैं। तो आज तो कुछ भी नहीं मिला, बस मेरे बिस्तर में पड़ा रहा हूँ, बस आराम से जो भी है जैसा भी है। डेली का एक वीडियो डालना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो वो मैं डाल दिया, डाल दिया, और थोड़ा मौसम सही हो जाए और तबीयत भी सही हो जाए उसके बाद चलेंगे हम बाहर घूमने के लिए, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे। तो एक बार तो
गरीब लोगों से आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा। देख लेना जैसे भी है। तो करते हैं व्लॉग का एंड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और देखते हैं आगे क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। जो भी मेरे लाइफ में होगा वो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो करते हैं व्लॉग का एंड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आजकल व्लॉग में भाषणबाजी ज़्यादा करने लग गया हूँ मैं, पर क्या करें, कुछ है नहीं तो थोड़ा बहुत भाषणबाजी कर लेते हैं।